और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर, कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अब अनिल शर्मा और अशोक कुमार पीचा होंगे आमने सामने। स्वर्गीय पंडित भवरलाल शर्मा के पुत्र हैं अनिल शर्मा। पंडित भवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 5 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले इंतजार था। हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि अनिल शर्मा ही यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। औपचारिक ऐलान होना बाकी था, घोषणा का इंतजार था और अब कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई है और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा जो कि पंडित भवरलाल शर्मा के पुत्र हैं। और चलिए सीधे रुख करते हुए सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम है, हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि अनिल शर्मा ही प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं, अब उनके नाम का ऐलान भी हो चुका है, आपके साथ वो मौजूद हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखिए श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, केवल औपचारिक ऐलान बाकी था और देखिए औपचारिक ऐलान हो गया है। दिवंगत भवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 4 बार भवरलाल शर्मा खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तो यूं कह सकते हैं 5वीं बार इसी घर से दाव लगाया है कांग्रेस ने। ये उम्मीद की जा रही है कि उस लेगेसी को बरकरार रखें। देखिए खाना खा रहे हैं, व्यस्तताओं का दौर होता है, आप समझते हैं जब चुनाव लड़ते हैं। अभी ये बात भी कही जाती रही थी कि भवरलाल शर्मा के घर जो आते हैं लोग, कार्यकर्ता समर्थक, वो खाना खाकर ही लौटते हैं। अजब संयोग है कि जब टिकट की घोषणा हुई आप खाना खा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी निश्चित रूप से, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हाईकमान को, सबको धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और ये जिम्मेवारी मुझे दी। अच्छा, अशोक पीचा जो है अभी आप पर निशाना साध रहे हैं और अभी से कह रहे हैं कि वो इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि जो काम अधूरे छोड़े वो पूरा करूँगा मैं, तो क्या इतने सालों में काम नहीं करा पाए, उनका ये आरोप है? देखिए मेरे पिताजी पंडित जी पिछले 37 सालों से, 1985 से पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने, तब से लेकर पिछले लास्ट चुनाव 2018 तक 7 बार यहाँ से निर्वाचित हो चुके। आज मेरी उम्र 52 वर्ष है, 85 में 15 साल का था और तब गांव में रहते थे, आते थे, न सड़क थी, न पानी था, न बिजली, न शिक्षा, न चिकित्सा, सब तरह की वो है, तो अनवरत विकास एक प्रक्रिया है, विकास करवाया है। आपका कहना यह है कि एक और अजब संयोग रहा कि आप अध्यक्ष थे और अशोक पीचा उपाध्यक्ष रहे हैं, ऐसी कोई बात है? जी हाँ बिल्कुल, 1995 में मैं नगर पालिका का चेयरमैन था, तब अशोक जी पिंचा पार्षद थे और उपाध्यक्ष थे नगर पालिका के, लेकिन हमारे नगर पालिका के सदन ने उनको इस लायक भी नहीं समझा, 2 साल बाद उनको उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। अच्छा, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? एक लेगेसी तो है ही है, लेकिन इस पर आरोप भी लगते हैं कि भाई अब लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा हो जरूरी नहीं है, तो और किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे अनिल जी? देखिए विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, वो तो कुछ भी कहें। रही बात राजा के बेटे की, ऐसी बात नहीं है, जैसा पहले आपको बता चुका मैं 95 से लगातार 27 साल हो गए मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता के दुख सुख में हमेशा शामिल रहा हूँ, उनके विकास के काम हो चाहे व्यक्तिगत उनकी परेशानी हो, हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। और रही मुद्दे की बात, तो पंडित जी द्वारा जो किए गए विकास कार्य हैं, उनके द्वारा जो जनता में उनके किए गए काम, और सम्मानीय गहलोत साहब जी जो कांग्रेस सरकार पिछले 4 सालों में जो जन कल्याणकारी उन्होंने कार्य किए, अभूतपूर्व विकास प्रदेश में किए, इसलिए जनता में जाएंगे और उनको सब बातों को बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल सुना है आ रहे हैं, एक बड़ी सभा की बात है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से सीएम साहब से निवेदन किया था, सीएम साहब कल पधारे हैं, अध्यक्ष जी डोटासरा जी वो भी आ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ हमारे प्रभारी विजेंद्र जी ओला जी हैं और भी वरिष्ठ नेता और जिले के सारे विधायक और प्रतिष्ठित जो पार्टी के हैं सारे आशीर्वाद देने आएंगे। देख सकते हैं आप अनिल शर्मा, माफी चाहेंगे आपको खाने में, हमने थोड़ा सा विधान किया, लेकिन आप कह रहे थे कि हम जनता के बीच रहते हैं और इसी तरह काम पूरे दिन चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी पिछले 6 दिन से लगातार गांव में जनसंपर्क, लोगों से, जनता से आशीर्वाद लेने गया हूँ, लगभग 100 गाँवों में मैंने दौरा कर लिया है, तो जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद, जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है
उनकी भावनाएं देख के कि सरदार सर के चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। देखिए अनिल शर्मा थे, आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी संजय प्रजापत सही तमाम लोग खाने की टेबल पर, वो जब खाना खा रहे थे तो उसी वक्त बातचीत और बाकी लोगों से भी लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार की जीत बड़ी होगी, लेकिन ये तय जनता को करना है कि क्या वाकई यहाँ की जनता भंवरलाल शर्मा की लेगेसी के साथ जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बाई इलेक्शन में, जो कि तीसरा बाई इलेक्शन है सरदार शहर में, उसके परिणाम किस तरह के आते हैं। कैमरा पर्सन भवानी और सहयोगी संजय प्रजापत के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सरदार शहर, चूरू।